मैं इसकी जमानत देने को तैयार हूं। अब जमानत का वक्त गुजर चुका है मिस्टर, इसलिए
नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं। आप पूछिए कितना बुलाया जा रहा है। अरे
ले लाजो, तुम्हें मेरे कंधे पर ही मौत आएगी। चलो, हाँ भाई,
मरीज आ गया था। नफ्सियाती मरीज? हाँ। अरे छोड़ो बेटे, तुम चलकर खाना
लीजिए, आप ही बांट लीजिए। नंबर वाली का
जी।
Bu acem az çıkıyor. बिल्कुल सरकार, सरकार आप है ना नीचे से ऊपर तक
करोगे भाई? 500 तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम करो। कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? भला आज के दौर में रक्षा टैक्सी वाले तो पैसे कम नहीं करते, आप कह रहे हैं कम कर दो। भाई 500 रुपए, 500 रुपए बोले ना? 500 सरकार पूरे 500 रुपए में जीरो कितने होते? दो होते हैं सरकार, दो होते हैं। तो तुम ऐसा करो जीरो कम कर दो। करूंगा
तू माफ पे जा रहा है? नहीं सरकार, इमाम दामन बांधू सरकार, मैं ना फिल्म में काम करने जा रहा हूँ। अच्छा, तू फिल्म में जाके क्या करेगा? मैं हाँ, मैं ना इमाम से बहुत बड़ा हीरो बनूंगा। अच्छा, फिर मेरे पास लंबी सी कार होगी, दौलत होगी, अच्छा औरत होगी, अच्छा एक बंगला होगा बहुत बड़ा, अच्छा कंगला होगा, अच्छा तू कंगला होगा, अच्छा मैं कंगला तू हीरो। अरे फिल्म में बाद में काम कर, पहले ऐसा कर तू वाशिंग फैक्ट्री जा, ¡Gracias!
के लिए समेटो और अंदर जाओ। Thank you.
बड़े रोजगार होने को भाई ये मसला हो गया तुम्हारे। अरे कैसा मसला बन गया मिर्जा साहब? अरे भाई यही बरसरे रोजगार का और कैसा। तो आप मानेंगे नहीं मिर्जा साहब? क्या मतलब? जरूर करेंगे आप। वैसे मिर्जा साहब, हाँ शहर से अंदाजन आपके बच्चे कितने होंगे? बच्चे? हाँ लिखे क्या? नहीं गिनके बताना पड़ेगा। गिनके कुछ फैक्ट्री 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ दे पड़ोस का 8 9 10 15
तारीफ की है। वैसे नाम क्या है उसका? नाम बता दिए ना तो जल जाओगे। हाँ नाम बताओ, मुझे मालूम है। उलझते ही रहना, मेरे को अब ना बुलाना, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप वो बात कर रहे थे, नाम बताओ उसका। नाम बता दे ना, कल जाओ दे। हाँ ओहो, नाम बताओ, मुझे सब मालूम है आखिर आप किस चक्कर में हैं। तुम तो निर्दूमी हो। बात तो कुछ ऐसी है, वैसे क्या उसे भी मालूम है आपके नाकाम इश्क का? अभी तो फिर धड़कता है दिल, इधर ही। अपने दिल को काबू में रखिए, ऐसा ना हो कि एहतजाज धड़कने ही भूल जाए। मेरा काम कर दो ना नाज़िम भाई। नाज़िम भाई, अरे बाबा मैंने आपसे कहा है कि मेरा नाम आसिम है। आसिम, अल्लाह बोल तो कह रहा हूँ, मेरे काम कर दो ना। पहले ये बताओ काम क्या? काम टिक्के गला कैया के नाम लिख दो, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दो। अच्छा अच्छा, लाइए कागज, मैं आपके इसमें मुंशी भी बन सकता हूँ। ये लो जरा साफ साफ लिख रहा हूँ, पेन है तो वाले पास। हाँ है। ये लो। मजमून आप बताएं, लिखूंगा मैं। ठीक है, साफ साफ लिखना। जी बोले। लिखो दिया रे सर। ये आप खत लिखवा रहे हैं या नौकरी की दरख्वास्त? ओहो भूल हो गई ना, वो दांत से लग नहीं आता क्या नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, गाली वाला डार्लिंग लिखवाना चाहते हैं। वही 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 तो लिखो। जी लिखवाइए। दिया डार्लिंग आई लव टू यू। यू बल्कि ओनली यू यू यू। जी आगे बोलिए। हाँ तो लिखा। जी जी तो आई एम तड़पिंग नाइट बाय नाइट ऑल द नाइट, हाय अल्लाह करवट करवट में पानी में गुजरती हूँ। हाँ इस मामले की तफ्तीश कर लेते हैं, कहीं बिस्तर में खटमल लाओ। कैसी बातें करते हैं आप? मैं ना जमीन पर छोटा हूँ, पलंग पे ना करवट, जब वो अचानक खटमल वो मुझे न पाकर खुद करवट बदल लेते हैं। हाँ आपको तो लिखो। जी बोले। आई एम रिक्वेस्ट फॉर यू, अल्लाह के नाम पे प्लीज गिव मी ए चांस बलाए शोहर। गिव मी ए चांस बलाए शोहर। बलाए शोहर। अच्छा ये बता, इंग्लिश में लिखा है ना? जी नहीं, अलजेब्रा में। ओहो, अरे मेरी फर्स्ट क्लास इंग्लिश बनाई है। अच्छा तो ठीक है, अभी मुझे दे दो तुम। ला दे दो मुझे। ये ले। थैंक यू नाज़िम भाई। अगर रोजी ये खत पड़ेगी ना, मुर्गा बना देगी। आओ परी, कैसी हो? बस जिंदा हूँ। क्या बात है परी? आपने अंकल से बात की? भाई कर लेंगे, आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है? यहाँ एक एक लम्बा पहाड़ बनकर गुजरा है और आप कैसे? थोड़ा सा इंतजार और। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। आप होकर के सबको बता क्यों नहीं देते कि आपने शादी की है? वो नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वही बात तो जरूर है, आप क्यों ऐसी? भाई मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो जरूर है, क्या समझी जाए? ओहो, तुम इतना जिद क्यों करती हो? आप इसे तो करती हो, किसी गैस से तो नहीं। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं चलता हूँ। सुनिए रुक जाइए। क्या बात है? Thank you.
Thank you.
Thank you.
तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने अंकल से बात करने की कोशिश की थी मगर हिम्मत नहीं होती। मगर क्यों? सरी, उनके मुझ पर कई एहसानात है। सरी, मुझसे गलती हो गई। सरी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? मुझे रोजी से शादी की इजाजत दे दो। क्या? दुनिया की कोई भी औरत अपने प्यार को नहीं देख सकती। काश मैंने तुमसे मुंह से निकाला। सरी, कुछ हुकूक ऐसे होते हैं कि जिन्हें हासिल करने के बाद इंसान जिंदगी की खुशियों से महरूम हो जाता है। नहीं सरी, ये बात नहीं है। तो हाँ, मैं बुज़दिल हूँ, बुज़दिल हूँ, बुज़दिल हूँ। खबरदार, अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जाने का।
क्यों मेरे में कांटे चुभे क्या? बेगम साहब को भेजो, बेगम नहीं आती तो मुझे ले लेना, तू नहीं देता। कैसे लोग हैं यार, कपड़े मांगो कपड़े भी नहीं दे रहे। भाई ऐसा कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा, मुझे कपड़े दे दे। कपड़े तो मैं रख जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे बाहर दे दूंगा। ओए कपड़े तो दे। खुश खुश घर का गुजर
शर्मिंदा हो के। बस आप कोई बात नहीं बेगम, क्या है? तुमने इस घर में बहुत हुक्मरानी कर ली, अब तुम्हारा कोई हुक्म नहीं चलेगा। अब फरीदा बेटी को अपनी बेटी समझकर विदा कर लेना। जी हाँ, फरीदा भी तुम्हारी रोजी बेटी की तरह है, उसे भी उसी तरह विदा करना जिस तरह तुमको रोजी बेटी की तरह विदा करना चाहती हो। चलो शहजाद के साथ करेंगे, और परवाने सरकार मेरी लाइन सेट करा रहा ईमान से दुआ दूंगा। तुमने मुझे कोई सेट कराने वाला समझा हुआ? नहीं सरकार, मेरा मतलब है मेरी है ना, वो करा दो। अच्छा तो तुम्हारी भी शादी हम करा देंगे, लेकिन पहले इसके बाप से पूछ कर। सरकार हाँ, इसका मतलब मैं नसीबों वाला हुआ ना? अरे बेवकूफ, नसीबों वाला तुम नहीं हो। नसीबों वाली तो ये है। दो मिनट का इंतजार, हम तमाम अपने जितने भी फनकार इंतजाम में हिस्सा ले रहे थे उनका बाकायदा से तारुफ करा। अब मैं सबसे पहले बुलाता हूं इसके हिदायतकार को। आपकी पुरजोर तालियां, कशीर बातें, हिदायतकार मूसा नारेजो। मूसा नारेजो को एक क्रेडिट जाता है कि तमाम नए फनकारों को ये ट्रेन करते हैं, उन्हें तरबियत देते हैं और यहां इस स्टेज तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले तशरीफ लाती हैं रोजी का किरदार करने वाली सीमा नास। आइए जी रसूल भाई। शहजाद का किरदार करने तशरीफ लाते हैं हुसैन शेख। ऐसी के जरा जल्दी आए, वक्त की कमी है। आपकी पुरजोर तालीम तशरीफ लाते हैं परवाना दानी सुमरो। समय महफिल आज की हुमैरा परवेज। पुरजोर तालियां जब्बार शाहिद के लिए। मिर्जा हयात का किरदार करने वाले मुख्तार अहमद सयाल को। अच्छी हो यार। अरशद का किरदार किया और बड़ी खूबी से किया। आपके पुरजोर तालियां हुसैन दातारी। हुसैन दातारी दीवाना मरीज। पुरजोर तालियां जमीर अहमद के लिए। पागल आबिद कायम खानी। टेलीफोन टेक्नीशियन का किरदार किया है नैयर इकबाल ने। इसी डाकिया किरदार किया परवेज कायम खानी ने। पुलिस का किरदार किया इंस्पेक्टर का मोहम्मद हारून। छोटू का किरदार किया आबिद अब्बास, अनवर मकसूद। सिपाही किया नासिर खान, वजीर गाजी, रजा राजू, आबिद अब्बास दोनों आ जाए। पुरजोर तालियां अशो बॉबी के लिए। औरत तशरीफ ला रहे हैं पीएम सम्मो सुहेल मुराद। और धोबी का किरदार किया आसिफ ने। पुरजोर तालियां डॉक्टर बासित का किरदार करने वाले दानिश बलोच के लिए। और अब आ रही है बेगम मेरे नहीं ड्रामे की। पुरजोर तालियां मेहरुन निसा। अब मैं उस किरदार को यहां पर आने की दावत दे रहा हूं। आपकी पुरजोर तालियां तशरीफ लाती है जायद रुखसार और मोहम्मद फारूक शाहीन। और स्टेज के पीछे सारे वर्क किया आपकी पुरजोर तालियां माविन हिदायतकार मोहम्मद सईद के लिए। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, आपके सामने पेश किया आपकी पुरजोर तालियां हैदर अब्बास रिजवी। अवार्ड देने अब बाकायदा अवार्ड की तकरीब हो रही है, सिर्फ 5 मिनट आपके लिए जाएंगे, उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आपकी पुरजोर तालियां तशरीफ लाते हैं रियाज अहमद रियाज। ये अवार्ड दे रहे हैं। पुरजोर तालियों में तशरीफ लाते हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हैदर इब्बास रिज़वी। इन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। पुरजोर क्लैप करें। मूसा नारेजो इन्हें अवार्ड दे रहे हैं। सर नौकरानी का किरदार किया आपकी पुरजोर तालियां मोहतरमा हुमैरा परवेज। किरदार खालू आपकी पुरजोर तालियां पीएम समो के लिए। आइए समो साहब, आप उस तरफ देखें कैमरे की मूवमेंट, कैमरा कहां जा रहा है। किरदार खाला पुरजोर तालियां मोहतरमा महरुन निसा। खाला गरम मसाला ते हैं किरदार सलमान का मोहम्मद फारूक शाहीन। चीज आइए आ
आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब तशरीफ लाती हैं आज की पुरजोर तालियों में सीमा रास, पुरजोर तालियों में सुहेल मुराद, पुरजोर तालियां माविन हिदायतकार मोहम्मद सईद के लिए। आपकी मेहरबानियां, आपकी पुरजोर तालियों में तशरीफ लाते हैं ए हबीब मुसनार जो ने आपको अवार्ड दिया इसे संभाल के रखिएगा, ये इनामात याद दिलाएगा। जी प्रोडक्शन कंट्रोलर जनाब दानिश बलोच, दोस्तों आपकी भरपूर तालियों के लिए मैं बुला रहा हूँ। उसने सबसे पहला आइटम किया बलोची खाता, बलोची रक्स पेश किया, आपके तालियों के रूम में आ रहे हैं वली रईस। थैंक यू। आपकी भरपूर तालियों के गूंज में अशोक बॉबी। दोस्तों आपकी भरपूर तालियों के गूंज में आ रही है मिस जायदा रुखसार। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर आपसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं तो आपके तालियों के गूंज में आ रहे हैं हैदर अब्बास हिजमी। मौजूद खवातीन और हजरात अस्सलाम वालेकुम, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ये गुनाहगार बंदा थाना इस काबिल, ये हुजूर की बंदा परवरी है। ये ड्रामा आप लोगों ने देखा इतने ऐसे वक्त में जबकि हालात के तहत जहां टेंशन बाजी चल रही हो, मगर फिर भी आप लोग आए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी आप लोग इसी तरह हमारा ड्रामा देखते रहेंगे। अब पसंद ना पसंद वो आप लोग ही अपनी है। और एक आखिर में शेर अर्ज करता चलूं, इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में बुज़ रखते हैं बगैर दोस्ताना है। ये मूसा नारी जो हमारे बेचारे बहुत ही मुखलिस आदमी हैं और इंशाल्लाह करते रहते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे इसी तरह ड्रामे, और इंशाल्लाह इनके साथ इसी तरह ताउन होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पुरजोर तालियां तशरीफ लाते हैं मेगा मैन फैज लासी। आइए फैज लासी साहब, इन्होंने तमाम किरदारों को जो है और इस ड्रामे की मौसीकी दी हमारे बड़े सीनियर बड़े अच्छे मौसीकार जनाब सईद नजर और नासिर महमूद ने। पाकिस्तान जिंदाबाद।